मैं सचित जैन हूँ, वर्धमान ग्रुप की कंपनी वर्धमान स्पेशल स्टील्स का वाइस चेयरमैन हूँ और पिछले 11 साल से ये कंपनी चला रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमें कोविड की भी बड़ी दिक्कत हुई, उसमें सरकार ने बड़ी सफलता से, बड़ी अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं आने दी और ओवरऑल जिस तरह से मैनेज किया, फुल कॉम्प्लीमेंट्स टू द गवर्नमेंट। और वहाँ से निकले ही थे कि ये पावर की प्रॉब्लम आ गई है, बारिशें डिले हो गई हैं और बारिशें डिले हो गई हैं तो धान की फसल की बुआई चल रही है और पावर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा है, उसकी वजह से डिमांड सिस्टम पे ज़्यादा आ गई है तो कट लगने स्वाभाविक है क्योंकि शॉर्टेज आ गई, सिस्टम इतना हैंडल कर नहीं सकता। उस सिचुएशन में इंडस्ट्री पर कट लगे हैं ज़रूर और हम सबको धैर्य रखना पड़ेगा कि जल्दी ही बारिशें आ जाएंगी। नॉर्मल मानसून मेट ने प्रिडिक्ट किया है और अगले कुछ दिनों में मानसून आगे प्रोग्रेस करेगा, कुछ देर के लिए हमें सबको धैर्य रखना पड़ेगा। मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि अगर कट जो लगा रहे हैं वो खाली एक सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री पे ना लगा करके इसको स्प्रेड करके सारों पे स्प्रेड कर दे, किसी एक पे ज़्यादा लोड ना आए और हम सबको सरकार के साथ इस कठिन समस्या में, इस कठिन परिस्थिति में सरकार के साथ रहना है। शुक्रिया। मैं उपकार सिंह आहूजा, प्रेसिडेंट चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। ए जो बिजली दे कट लगे है कल तो 48 आवर्स ले इंडस्ट्री ले, मैं समझदा भी ये कट क्योंकि फार्मिंग सेक्टर नू बिजली चाहिदी है और झोने दी बिजाई है, इस करके कट लगाए गए है। और पिछले 4.5 साल कोई बिजली दी दिक्कत नहीं आई और मैनू ये पूरी उम्मीद है भी आने वाले टाइम विच भी जल्दी बिजली दी अवेलेबिलिटी हो जाएगी और ये कट जल्दी तो जल्दी दूर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।